अगर ओपनिंग निकालने में कामयाब हो जाते तो काफी आसान हो सकता है, लेकिन वो आसान मुझे नहीं लग रहा इतना भी ज्यादा होने वाला। चॉय की बात करें, ऑलरेडी आगे जा चुका है, फिनिश पॉइंट चाहते था कि प्लीज उनसे बाहर ना हो, लेकिन हम इक्विनॉक्स को जानते हैं, वो हमेशा फाइट करते करने के लिए जाने जाते हैं। ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट है, एक्वा के लिए भारी पड़ सकता है, काफी अच्छा टाइम यहाँ पे लिया गया, थ्रो करते हैं क्या डैमेज पड़ेगा, चलिए डैमेज यहाँ पे हल्का सा निकालने में कामयाब हो जाते हैं। प्लीज उनकी तरफ यहाँ पे जाने को, एक्वा की बात करें, खिलाड़ी को नॉक करते हैं, दूसरी की तरफ यहाँ पे इंडियन सॉकेट करेंगे, दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे नॉक करने में कामयाब हो जाएगा, इनफैक्ट फिनिश भी कर देंगे। एनटीटी ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण दो खिलाड़ी इस मैच से बाहर कर दिए गए, अब केवल दो खिलाड़ी यहाँ पे एनटीटी की तरफ से। इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज एनटीटी गेमिंग वन वर्सेस टू का सिनेरियो रहेगा। टीएसएम एक्विनॉक्स के नाम 7 फिनिश पॉइंट्स इनके खाते में आ चुके हैं, जोन के काउंटर साइड से आ रहे हैं, शैडो को ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं, बूस्टर्स लगा रहे हैं, मौका रहेगा एनटीटी के पास भी कि टीएसएम को यही पे शट डाउन करे। टीपीपी का बेहतरीन एडवांटेज मिल रहा है, वॉट कैन एक्विनॉक्स डू, ऑलरेडी दो फिनिश पॉइंट उनके खाते में लिखे जा चुके हैं, अभी भी एक फिनिश पॉइंट है जो सिक्योर नहीं हुआ है। एक्विनॉक्स आगे आने की कोशिश में दोनों तरफ से पीक आएगा, डार्क लॉर्ड को भी लो किया गया था, बट इट्स एंटिटी हु वॉक अवे विद दैट चिकन डिनर।